चाहिए तो ये भारत की बेटियां थी, आज इन्हें केवल हरियाणा की बेटियां दी गई है। तो मैं एक महिला होने के नाते, एक दलित समाज होने के नाते, मैं उनके साथ कांग्रेस के राज में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो इनके बीजेपी वाले ने जो श्रुति रानी है रोड पर खड़ी हो जाती थी, चूड़ियां लेकर खड़ी हो जाती। आज कहाँ आँख मीच के खड़ी है, कान मीच के खड़ी है, दरवाजे बंद करिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए जो एक बेटियों के साथ उन्हीं के एमपी मंत्री ऐसे करते हैं। प्रधानमंत्री को इस पाठ को, इस मुद्दे को, इस बिंदु को एक अहम मानकर चलना चाहिए कि आज महिला शक्ति एकजुट हो चुकी है और उनकी तानाशाही सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। बेटियों के मान सम्मान की बात होती है तो तमाम पार्टियां उभर के आती हैं, लेकिन जो पार्टी बेटी सम्मान की बात करती है आज वही पार्टी गुंडे बदमाशों को दर दे रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है और जो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं वो जंतर मंतर पे धरना दे रही है। हमारे सब कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या करना है, सरकार इतनी देरी बेटियों को न्याय देने में क्यों कर रही है। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है जो बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई है, जिन्होंने देश को सम्मान दिलवाया है, वो आज रोड पर जंतर मंतर पर बैठी है। मेरा बीजेपी सरकार से, नरेंद्र मोदी से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, सलाखों के पीछे करो, उनका इस्तीफा लो। यही हम सबकी लड़ाई है। सारे किसान लोग, सभी ब्लॉकों के प्रधान, महिला कांग्रेस, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी सब आए हुए हैं, गरीब प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात कि हमारी बेटियां इस तरह हो रही है, इस तरह रोड पर बैठी है। जल्दी से जल्दी जीवन पर भाव से उसका इस्तीफा लेना चाहिए और उसको जड़ में करना चाहिए। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द बोलना चाहिए मैं इस्तीफा देने के लिए। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है जो हमारी आन बान शान, हमारे खिलाड़ी जो झंडे की हमारी भारत की शान है, उसका ही तो ये भारत की बेटियां थी, आज इन्हें केवल हरियाणा की बेटियां दी गई है। तो मैं एक महिला होने के नाते, एक दलित समाज होने के नाते, मैं उनके साथ आज उनका मार्गदर्शन हूँ। जहाँ मैं खिलाड़ियों का पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून बहाने के लिए तैयार हूँ। मेरा दलित समाज पूरा एकदम एकजुट है और इसके लिए तैयार है। आप दलित समाज से, दलित समाज के साथ भी आप देखेंगे समाज में तमाम तरह के भेदभाव होते हैं, खैर वो अलग मुद्दा है, आज मुद्दा बेटियों का है तो इसमें क्या कहेंगे? आज मुद्दा बेटियों का है, आज मैं खिलाड़ियों के साथ ही व्यवहार हो रहा है तो आप मीडिया के माध्यम से आप जानिए कि हमारे गरीब समाज की बेटियों की कोई सुनवाई नहीं होती। तो प्रधानमंत्री को इस पाठ को, इस मुद्दे को, इस बिंदु को एक अहम मानकर चलना चाहिए कि आज महिला शक्ति एकजुट हो चुकी है और उनकी तानाशाही सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। तमाम खाप पंचायतें दावा करेंगी यहाँ आने का, लेकिन अभी तक हरियाणा पंजाब की खाप पंचायतें नहीं पहुँची है, क्या कहेंगे आप? हरियाणा की पंचायतें हर गाँव से, हर देश से, पूरे हरियाणा से, सारे से आ रही कौन कहता खाप नहीं आ रही, सारी पंचायत भी आ रही, सरपंच भी आ रही, महिलाएं भी आ रही और बच्चे भी आ रहे छोटे छोटे। आज हमने देखा एक इतनी छोटी सी बच्ची ने बोला है और रोई है तो उसका कर्जा फटना चाहिए, माँ का एक कर्जा फटता जो बेटी ऐसे रोती है। हमारे भी दिन आंखों में आंसू आ गए जब लड़की छोटी थी, यहाँ पाप ने देखा होगा 5-6 साल की लड़की रो रही थी और अपने दुख बता रही थी लोगों के बारे में। कांग्रेस के राज में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो इनके बीजेपी वाले ने जो श्रुति रानी है रोड पर खड़ी हो जाती थी, चूड़ियां लेकर खड़ी हो जाती। आज कहाँ आँख मीच के खड़ी है, कान मीच के खड़ी है, दरवाजे बंद करिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए जो एक बेटियों के साथ उन्हीं के एमपी मंत्री ऐसे करते हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। और ये इतने दिन हो गए, कम से कम महीना हो गया होगा, पहले भी ये बैठी थी, 3 महीने पहले भी बैठी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं कह रही हैं कि मैं सत्ता में आ रही हूँ।
कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में आप देख सकते हैं कि बेटियों का कितना सम्मान हो रहा है। जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं वो रो रही हैं, अपना मेडल फेंकने को मजबूर हैं। अब जिन पे अड़ चुकी हैं ये महिलाएं कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी की गिरफ्तारी नहीं होगी ये लोग जंतर मंतर पे डटे रहेंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट